हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया। हरियाणा की आवाज वो मंच जहां पर आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, उन पर आपकी राय लेते हैं और उसके बाद आप ही की आवाज को बुलंद करते हैं। आज हरियाणा की आवाज में हरियाणा की आवाम से बात होगी, जल की। जी हां, एक ऐसी चीज जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश के कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी जो लोग हैं गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और साथ ही साथ पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या है। टोहाना और कुरुक्षेत्र की बात आज हम करने वाले हैं जहां पर गंदे पानी के कारण घातक बीमारियां वहां फैल रही हैं। पानी की कमी है वहां पर, एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। टोहाना की बात करें तो वार्ड नंबर 6 में पिछले कई दिनों से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने कई बार सीएम विंडो में शिकायत की, विधायक से शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। गुस्साए लोगों ने यह भी कहा कि जल समस्या दूर नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र का जो सेक्टर 3 है वहां पर गंदे पानी की वजह से घातक बीमारियां हो रही हैं। गंदे पानी के कारण एक गर्भवती महिला को कहा जा रहा पीलिया की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक और महिला ने कल देर रात पीलिया की बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। गंदे पानी के कारण लगातार पीलिया की बीमारी वहां हो रही है, जिससे लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सेक्टर 3 में ही सांसद साहब का घर भी है, लेकिन उन तक ये पानी नहीं पहुंचता, शायद इसलिए उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। कार्यक्रम में आप सभी दर्शक जुड़ सकते हैं। हरियाणा की आवाज के फोन नंबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। तुलसी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है। नमस्कार तुलसी जी, बताइए। नमस्कार जी। जी बताइए। हम ऐसे पूछना चाहते हैं कि गरीबों को जो मदद मिलती है वो कम मिलेगी। जी बात पूरी कीजिए तुलसी जी, सुन रहे हैं हम। जैसे कि बीपीएल में जिनको होना चाहिए उनको तो बीपीएल मिलता नहीं है, और जिनको बीपीएल नहीं मिलना चाहिए उनको बीपीएल मिलता है। आप ये बताओ ऐसे कैसे सरकार काम कर रही है, क्या सरकार को दिक्कत नहीं है? आपके इलाके में पानी साफ आता है या नहीं? पानी भी गंदा आता है जी। पानी गंदा आता है, बेहद शुक्रिया आपका। देखिए आम जनता हमारे साथ जुड़े, हम चाहते हैं कि आप अपने इलाकों की समस्या हम तक पहुंचाएं। क्या आपको पीने लायक साफ पानी मिल पा रहा है, या पानी मिल भी रहा है, या आप भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं? तो सोचिए, बुनियादी सुविधा है पानी, जो कि सबका अधिकार है, सबका हक है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन इस मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जा रहा है लोगों को। वोट के समय तो वोट हासिल करने के लिए वादे कर दिए जाते हैं बिजली पानी के, उसके बाद होता कुछ नहीं है। पानी इतना गंदा है कि यहां पर लोग उसको पी नहीं सकते, उसका इस्तेमाल किसी अन्य चीज में भी नहीं किया जा सकता। बीमारियां सोचिए वहां कितनी फैल रही हैं। इतना ही नहीं, वहां पीलिया की बीमारी हो गई है कुरुक्षेत्र में, और इस वजह से महिलाओं की मौत भी हो रही है। गर्भवती महिला की मौत हो गई जिसका कारण पानी को ही माना जा रहा है। अब सोचिए यहाँ के लोग किस कदर परेशानी में होंगे। हम चाहते हैं टोहाना और कुरुक्षेत्र के जो लोग हैं हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और बताएं आप हमें आपके इलाके में इस वक्त स्थिति कैसी है। क्या आप सभी के इलाकों में पीने लायक साफ पानी आता है, या फिर आप गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं? मजबूर क्यों हैं आप लोग आखिरकार? क्योंकि आपने जिसे चुना, क्या वो आपकी आवाज नहीं उठा पा रहा है? हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, आप ही इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी राय, अपने विचार, जो भी आप कहना चाहते हैं जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं। बीएस आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार बीएस आर्य जी, बताइए क्या कहेंगे? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज जी? पानी की समस्या को लेकर आज चर्चा हो रही है, पीने के पानी की जी। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पानी की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, तब तक इन दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे माननीय हैं, ये तो पीते हैं आरओ का वाटर, बिसलरी का वाटर, और विकसित देशों में घूमना
फाइव स्टार होटलों में बढ़िया बढ़िया खाने का जो बिल है वो पेड करना, क्योंकि इनकी कमाई हार्डवर्क की होती नहीं है, मोस्टली होती है जनता का लूटा हुआ पैसा जो नेता होते हैं। आम जनता तक योजना, आज तक 70 साल तक पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। एक पीना हवा और पानी, ये हमारे भोजन, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, और ये भी एक हमें नसीब नहीं हो रही आम जनता तक, बड़ी कमाल की बात है। और कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, घोषणा पत्र में तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जनता से मेरी प्रार्थना है इन नेताओं से जरा जब भी आपके इलेक्शन के टाइम आए या गांव में ये दौरे, धन्यवादी दौरा तो करने की जरूरत ही नहीं होती इनको, क्यों इनको फुर्सत ही नहीं होती, फिर अपने पेट और पेटी भरने में लगे रहते हैं जी। इन जाइए पूछिए तुमने हमारे 70 साल में क्या फीडबैक दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया, तुमने क्या दिया, तुम जनता के बीच में आगे भीख मांगने के लिए वोटों की, हमने तो तुम्हारे को फीडबैक दे दिया, जनता ने दिया, आम जनता जो गरीब है, तुम बिसलरी का पानी पी करके, आम जनता को जोहड़ों का पानी नसीब नहीं हो रहा, जोहड़ों में गंदा पानी जा रहा है, पीने का पानी तो बहुत दूर की बात है, बड़ी शर्म की बात है। नेताओं मैं ये कहना चाहूंगा कुछ सोचो, पेट और पेटी भर लेना, लेकिन सचमुच राजा वही होता है जो पहले देखना देखा करते थे कि आम जनता परेशान होती तो खुद भूखे रह जाया करते थे, लेकिन आज के नेता काजू और बादाम थालियों में छोड़ते हैं, बिसलरी से हाथ धोते हैं, और गरीब जनता का ये हाल है, पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा, बड़े कमाल की बात है। बड़े और दिल्ली में केजरीवाल झूठा नारा कर रहा, बोले हमने ये कर दिया वो कर दिया, दिल्ली वासी वैसे तो बहुत ही पढ़े लिखे वोट क्या लग रहे, कैसे पीने का साफ पानी मिल पाएगा? अरे जी नहीं, हाँ अभी अभी हमें विश्वास ये है, माननीय हमारे मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, संत रूप में सेवा कर रहे हैं माननीय सीएम साहब जो यूपी। ठीक है, देखिए हम चाह रहे हैं कि बुनियादी समस्या का मुद्दा है उसी को लेकर लोग हमारे साथ जुड़े भी, पीने के पानी की समस्या किस कदर लोगों को परेशान कर रही है, आपके इलाके में भी क्या यही समस्या है, इसको लेकर हम चाहते हैं कि आम जनता आम आवाम है और आपकी आवाज बहुत मायने रखती है सभी के लिए। हम इस कार्यक्रम में किसी तरीके की कोई राजनीतिक बातें नहीं, किसी पार्टी पक्ष की बातें नहीं, बल्कि जो आम इंसान की आवाज है वो उठाते हैं और उसी पर हम आप लोगों से आपकी राय आपके विचार सुनते हैं और समझते हैं। कोशिश ये रहती है कि ये जो भी आपकी समस्या है उसका निदान भी हो प्रशासन तक, ये आवाज भी पहुंचे। आज बात कुरुक्षेत्र और चौहाना की कर रहे हैं जहां पर गंदा पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, इन इलाकों में लोग परेशान हैं, बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, गंदा पानी पीने की वजह से आप सभी को पता है कितनी बीमारियां घर कर लेती हैं, और ऐसी बीमारियां जो कि जिंदगी के लिए भी जोखिम भरी हैं, जानलेवा भी हैं, जैसे कहा यह जा रहा है कि एक गर्भवती महिला को पीलिया हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो अब इन सबको लेकर क्या आपकी राय है, आपके इलाके में आखिरकार आपको साफ पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की है? बीके यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, यादव साहब नमस्कार, बताइए पीने के पानी की समस्या आपके इलाके में भी है क्या? बीके यादव जी आवाज मिल रही है? बीके यादव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पाया, फिर से कोशिश कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने की, जुड़कर अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो कहीं सूखा है तो कहीं हाहाकार मचा है, कहीं जिंदगी पर पानी की मार भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लोगों की पुकार कौन सुनेगा, कहीं पानी रोक रहा है जिंदगी की रफ्तार, जिंदगी पर पानी मार रहा है, भारी पड़ रहा है गंदा पानी, लोग पीने को मजबूर हैं। टोहाना में तो इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं, कई दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग, तो कहीं पर गंदा पानी इस वक्त बड़ी समस्या बना हुआ है। और खासतौर पर जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो दक्षिण बेल्ट का जो एरिया है वहां पर पानी की कितनी कमी है ये भी हम बखूबी जानते हैं। दूसरी तरफ एसवाइल का मुद्दा भी है, कहा जाता है उससे हरियाणा की जो पानी की कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ये सब होगा कब बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो आम आवाम बहुत परेशान है, लोगों को पीने के पानी के लिए रोजाना जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर आपसे आपकी राय जानेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे, आपके विचार समझेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जल जीवन या फिर बीमारी, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टोहाना या कुरुक्षेत्र इन इलाकों में इस वक्त
पानी की भारी किल्लत है। इसके अलावा जो पानी आ भी रहा है वो इतना गंदा है कि वो पीने लायक है ही नहीं। इसी को लेकर आज हम कार्यक्रम में जुड़े हैं आप लोगों के साथ। आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर्स आपके सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, फोन उठाइए, हमें घुमाइए और हमसे विचार कीजिए, साथ ही हमारे साथ चर्चा कीजिए और अपने इलाकों का हाल बताइए कि आपके इलाके में पीने के पानी की क्या कुछ तस्वीर है। इस वक्त पीने का पानी आपको मिल रहा है या फिर उसकी कमी है, कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की, क्या कुछ आश्वासन आपको मिलता है और ये कमी को पूरा कैसे कर पाएंगे। तो कहीं सूखा है तो कहीं हाहाकार मचा है, लोगों की पुकार सुनेगा कौन। और साथ ही ये भी हम बताइए कि पानी की कमी है वो हम सब मानते हैं, लेकिन आप खुद पानी बचाने को लेकर कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं? क्या कभी आपने सुना है या कभी सोचा है कि पानी की कमी की वजह से आने वाले दिनों में कितना भयंकर संकट आ सकता है? इसके लिए आप खुद क्या जिम्मेदारी उठा रहे हैं? पानी को बर्बाद करने से कैसे आप रोक रहे हैं? या फिर अभी तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपके घर में पानी आ रहा है और दूसरे घर में नहीं आ रहा तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जो भी आपको लगता है जुड़कर आप हमें बता सकते हैं। टोहाना और कुरुक्षेत्र में लोगों को पानी की काफी दिक्कत आ रही है। कुरुक्षेत्र और टोहाना में पीने का पानी नहीं मिल रहा। टोहाना वार्ड नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का सेक्टर 3 इलाका ऐसा है जहां पर बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से एक गर्भवती महिला को पीलिया हो जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, दम तोड़ दिया उस महिला ने। लोगों का यह भी कहना है कि गंदे पानी के कारण कई लोग डायरिया, पीलिया जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं उससे। तो कई बार शिकायत के बाद भी लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? गंदे पानी से लोगों को जो जान का खतरा बना हुआ है उससे किसी भी सरकार को क्या सरोकार नहीं है? जिन लोगों को जनता ने वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना है, क्या वो अब उनकी समस्या को नहीं सुनेंगे? अगर ऐसा है तो आपको उसके खिलाफ भी आवाज उठानी है, क्योंकि पीने का साफ पानी मिलना हर एक शख्स का, हर एक नागरिक का अधिकार है। और अगर आपको आपके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है तो यकीनन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, जुड़कर हमें बताएं। टोहाना और कुरुक्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, दोनों ही जगह पर इस वक्त पानी या तो गंदा आ रहा है या फिर पीने लायक पानी आ ही नहीं रहा है। लोगों को भी आप देख रहे हैं आवाज उठाते हुए, प्रदर्शन करते हुए, चेतावनी दे चुके हैं वो। अब उन्होंने बोला कि अब ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि अब अगर कोई भी जो पानी को लेकर समस्या आई तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे, जाम लगाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे, लेकिन अपना हक ये लेकर रहेंगे। पानी की समस्या धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। सोचिए इस वक्त ये हाल है, गर्मियों के दिनों में क्या हाल हो जाएगा इन इलाकों में। पीने का पानी बड़ी समस्या बनी हुई है इस वक्त। कैसे इस समस्या का समाधान होगा? क्यों सरकार प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? और पीने का पानी कब तक लोगों को परेशान करता रहेगा? गंदा पानी जैसे आ रहा है उस गंदे पानी के लिए भी जिम्मेदार कौन है? बार बार विभाग को शिकायत की जाती है लेकिन बावजूद उसके उस शिकायत का समाधान नहीं हो पाता। बीके यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बीके जी नमस्कार, बताइए। बीके यादव जी, तो जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, बाकी के दर्शक भी जुड़ते रहे। कुछ जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने अपने इलाकों का हाल भी बताया कि उनके यहाँ पर पानी की इस वक्त कितनी कमी है, पानी कितना गंदा आ रहा है और लोग उस पानी को नहीं पी पा रहे हैं। बीके यादव जी हमारे साथ है, नमस्कार यादव साहब, बताइए। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूंगा जब तक ये करप्शन भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक आम जनता तक पानी क्या, पानी तो एक बहुत ही भगवान का दिया हुआ निःशुल्क जल आधार है, हमारा मूलभूत सुविधा है, और योजनाएं कहाँ तक पहुंचेंगी? बड़ी शर्म की बात है। मैं ये कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार जब रुक जाएगा, और भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को, चाहे उसमें बड़े से बड़े नेता हो या छोटे से छोटा। अब ये सरपंचों को पढ़े लिखी पंचायतों में इन्होंने ये तोहफा तो दे दिया पढ़ी लिखी पंचायत, लेकिन हर पंचायत की, हर सरपंच की आरटीआई लाकर देखिए उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आम जनता तक योजना पहुंची है, एक आके लगाएगा तो दबंग लोग उसको दबा देंगे, उसकी मार पिटाई कर देंगे, भय रहता है, सिक्योरिटी कौन देगा? इसलिए सरकार से निवेदन है जितनी भी पंचायतें हैं सबकी, सब सरपंचों की, महिला सरपंचों के पुरुषों सबकी आरटीआई लगा करके उनका पूरा फीडबैक ले कितना भ्रष्टाचार हुआ, पूरा एक्शन लेना चाहिए, तब पता चले वक्त में ये सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आम जनता का पैसा भ्रष्टाचार में गया, कोई सूद लेने वाला नहीं है।
आरटीआई लगाएगा, फिर उसके ऊपर एक्शन लेगा, दबंग लोग उसको भय बना रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता, उसकी मार पिटाई में अपने भय रहता उसका, तो सरकार ऐसा काम क्यों करे? अलग से कमेटी क्यों नहीं बनाते भ्रष्टाचार की? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भ्रष्टाचार से इन्होंने उसको जोड़ा है, हालांकि पानी माफिया का भी ये जिक्र कर रहे थे कि कई बार जो है टैंकरों से जो पानी आता है उसके पीछे कितनी राजनीति होती है वो भी समझने की जरूरत है। लेकिन साफ पानी हर एक व्यक्ति का, हर नागरिक का अधिकार है, उसका हक उसको जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल हरियाणा की आवाज में आप सभी दर्शक जुड़े, बहुत शुक्रिया, इतना ही, नमस्कार।